तीनों को अलग अलग मैंने एक स्पोक दे रखी है, स्पोक के साथ है पटेटो, स्पोक के साथ पटेटो लगी हुई है, बट सबकी कंडीशंस अलग अलग है। एक में मतलब एक में इसका क्या है, स्पोक का लोअर एंड फिक्स है, पटेटो नीचे, एक में स्पोक का अपर एंड फिक्स है, और एक में हमने कोई भी एंड इसका फिक्स नहीं किया। अब क्या करना है, दीपक जीत और आदित्य को जब मैं बोलू मेरे इंस्ट्रक्शन पे ही इसके ऊपर एक मारना है हथौड़ा या जो भी वेट है वो इसके ऊपर मारना है, और आप लोग जिसके सपोर्ट में है उसका नाम लेके चिल्लाना है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है? आप लोग डिसाइड कर ले आप किसके सपोर्ट में, यहाँ पर जिसका पटेटो पहले ऊपर आएगा वो जीत जाएगा, ठीक है? जिसका पटेटो पहले ऊपर आएगा वो जीत जाएगा, ठीक है? मेरे बोलने पर ही आपको उसको स्ट्राइक करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। वन, ऐसे नहीं, मेरे बोलने पे रुक जाओ, रुको जरा सबर करो, फिर रुक जाना, फिर दूसरी बार मैं बोलूं उसके बाद ही मारना है, ठीक है? लो करो, वन, रुक जाओ, तीन, दो, एक, एक तो बोलो सर, कुछ तो बोलो, करो नीचे करो सर, नीचे करो, छेद से बाहर आ गए, चलो, वन, टू, टू, अरे बस कर भाई। वन और टू पे ही मारना है आपको, है ना? दोबारा करो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? जिसका कोई भी एंड फिक्स नहीं था, ना अपर एंड ना लोअर एंड, जिसका कोई भी एंड फिक्स नहीं था वो इस रेस में जीतता है। और इसका कारण क्या है, अगर आपको कारण पता चले, इसका रीजन पता चले, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।